प्यारे दर्शकों, अज असीं द यूनीक वन गॉड चैनल वालों सिख धर्म के एक महान शख्सियत संत बाबा रणजीत सिंह जी आगरे वाले उन्होंने पास आए हैं, जेडे कि 1999 तो गुरद्वारा श्री बख्शिशपुरा साहब लीला मेघ सिंह विखे मुख सेवादार के तौर पर सेवा निभा रहे हैं। सो सत्कारयोग दर्शकों, अज असीं उन्हां दे नाल सिख धर्म नाल संबंधित कुछ विचार चर्चावां करांगे। सो बाबा जी, सब तो पहलां आप जी का स्वागत है। सो बाबा जी, सानू इस समय जो साडे दर्शक ने उह जानना चाहुंदे ने कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों इस धरती ते आए तो उस समय दे जिहड़े हालात उन्हां तों पहलां दे कि जो हिंदुस्तान का वातावरण सी, उस समय दे धार्मिक लोकां दा जो धार्मिक सरोकार सी जां जो समाजिक सरोकार सन, उस समय दे राजनीतिक हालात सन, उन्हां दे बारे साडे दर्शकां नूं जानकारी दिओ। सब तो पहला यूनीक वन गॉड टीवी चैनल दी समुची टीम नूं जिन्हां ने उपराला कीता धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दे मिशन नूं किवें जिहड़ा है प्रचारिया जावे, जिन्हां परिखेपां दे विच सतगुर सच्चे पातशाह ने लोकाई नूं गुरमत ज्ञान गुरबाणी दी शब्द राही जोड़िया और सारी जिंदगी चार उदासियां करके अखीर दे विच उन्होंने जो करतारपुर साहब सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उत्थे आण मुकाम करना कीता, ये उस समय दी गल है जिहदे बाबत भाई गुरदास जी ने लिखा है कि सतगुरु नानक देव जी दे अवतार दे संबंध विच कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। उस वेले वहमां भरमां दी धुंद पई हुई सी, एक दूसरे नाल परजा अंधी ज्ञान बिना विहून चर्जा चर परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ को सतमुखों आ लाई। जो हालात इस तरह के बन चुके सन कि प्रजा जो सी वह भी झूठे मूठे जिहड़े धर्म के अलंबरदार सन, जोगी जति जंगम सरेवड़े नाना प्रकार के धर्मां दे धारनी, जो केवल तो केवल रोटियां कारण पूर हैं ताल, आप पछाड़ें धरती नाल, गावें गोपियां गावन गावें कान, गावें सीता राजे राम, इत्यादि सारी श्री आसा जी दे वार दे विच पौड़ी सानू प्राप्त हुंदी है कि महाराज जी दे समें दे राजनीतिक हालात जिहड़े सी उह तां बद तों बदतर सन। दूसरे मजहबां दे लोकां नूं न्याय नहीं सी मिलदा, तां करके लिखणा पिया कि प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ को सत मुखों अलाई। धर्म दे नां दे उत्ते जो झूठ कूड़ प्रचार कीता जांदा सी वो लोकां दे अगे विच वहम भरम फैला करके गुरु शब्द नालों दूर करके केवल अपने मत दा प्रचार करना, ये समाजिक हालात सन। और एक जो फाइनैंशली कह लिए इकोनोमिकली कह लिए सिखां सेवकां नूं गुरु नानक साहब जी दे सारे ही जिन्ने भी पैरोकार सन उन्हां नूं अंदरों अंदरी जो किसे साजिश दे तहत काजी लोग न्याय इस करके नहीं सी दिंदे कि ये गुरु नानक दे सिख ने, ये पंजाबी लोग ने, वो फिर इस करके महाराज सच्चे पातशाह दे कॉन्सैप्ट है जिहड़ा मुद्दा है किरत करो नाम जपो वंड छको, ये गुरु नानक देव महाराज ने होका दिता। इत्थे ही बस नहीं, किरत नवाब दौलत खान दे पास जो मोदी खाने दी कार संभाली, किन्ना समा हथी किरत कीती ते 13-13 तोलिया, उत्थों सतगुर सच्चे पातशाह जी ने जदों उस सेवा तो मुक्त होना कीता ते बाबे रीत उदासी दी चलाउणी कीती, जो धरती ते धर्म दी जो मन इच्छा सी, क्योंकि धर्म भी जिहड़ा सी उहदे चार पैरां चों इक पैर ही बाकी बचिया सी, ते धरती माता जिहड़ी सी उह निमाणी नताणी हो रही सी, झूठ दा काल पै गया सच काल कूड़ वरत्या,
सच का काल पै गया तो कूड़ प्रभावशाली हो गया। यह अज का समा कुछ इस तरह की लगता है कि जोड़े राजनीतिक लोग ने वक्रिया वक्रिया पार्टिया के नाल तालुक रखते हैं वो भी लोगों भरम भुलेख्या के पा के गंगा गए गंगा राम जमुना गए जमुनादास बन जाते हैं तो वह भी सोशली तौर पर लोगों की जी मानसिकता है वो वधेकी करते हैं। हाँ जी, गुरु नानक देव जी महाराज ने बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठाए क्योंकि उस तो पहलों कुछ रूढ़ीवादी प्रथावान जड़ियाँ समाज के प्रचलित सी तो उन्होंने अलग अलग उन्होंने जीवन संबंधित सानू बहुत सारिया साखियां प्राप्त होंदिया कि उन्होंने जो रूढ़ीवादी परंपरा चल रही थी उस दे अगेंस्ट जो अपनी गतिविधि करके लोगों नू समाज नू भुले भटके लोगों नू निरंकार परमेश्वर नाल जोड़िया। सो उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम चुके उन्होंने बारे आप जी जानना पाओ। ये जिहड़े सरोकार सन ये सतगुरु जी ने जदों कुल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि दे विच जिथे जिथे भी आप जी जांदे ने उत्थों उत्थों दे पाखंडधारी लोग ने जिहड़े उन्हां नूं सतगुरु जी शब्द दे द्वारा क्योंकि महाराज जी ने जदों ये सारा कुछ समझ लिया कि ये इन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं धर्म दे नां दे उत्ते अधर्म परोसिया जा रहा है धर्म के नाते अधर्म हो रहा है जिन्हों भाई गुरदास जी ने इं करके लिखा है कि चढ़िया सोधन धरत लुकाई ये बचन भाई गुरदास जी दे ने कि सतगुरु नानक देव महाराज जी लुकाई नूं सोधन भाव जिहड़े धर्म के पक्ष तो गिरावट वल आ चुके ने काजी लोग जिन्हां दा कर्म हुंदा सी न्याय करना वो काजी रिश्वती हो गए काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाई वड्डी रिश्वत ठेठ पंजाबी बोली है वड्डी लैके हथ वड्डी लैके जो कार्ज जिहड़े ने वो लोकां दे करदे ने बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई तकिया जदों तो सारी पृथ्वी जिहड़ी सी जलदी बलदी सड़दी धर्म तो जबरी लोकां नूं इस्लामी बनाया जा रहा सी धर्म जिहड़ा सी ओ इक धंधा बन के रह गया ते उस वक्त सतगुरु नानक देव जी महाराज दा अवतार होया अजिहे अव जिहड़े जिहड़े इस संबंध विच परिखेप दे विच इह सतगुरु जी दे पूर्ण बचन ने कि भाई सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल जियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। धर्म के नाते जिवें महाराज ने कहा भी दो फाड़ होई है दुविधा दे विच है पब्लिक जिदा कोई भी दाल का दा पौधा बीज बीजा जाता तो वह ता जमदा जेकर वो चारे पास तो एन ढकया हो छिलड़ दे नाल ते साबत हो दो जड़े ने दो विधा दे विच पैर करना उस नूं दुविधा आख्या जाता। सो ऐसे हालात सन जदों सतगुरु जी नूं अवतार लैना पिया आप नारायण कला तार जग में परवरियो निरंकार आकार प्रभ सिमत हरियो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन बाणी के बचन ने ता ते ऐसा उस वेले दा जिहड़ा धार्मिक ते राजनीतिक सरोकार सी ऐसा सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 पन्नियां दे विच जिहड़ी बाणी है 31 रागां दे विच बाणी मिलती है और श्री गुरु नानक देव जी ने 19 रागां दे विच बाणी जिहड़ी है वह लिखी है। तुसी उन्हां दे किसी शब्द के बारे जां उन्हां ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच जो उन्हां दी बाणी दे अंश दर्ज हन उन्हां दे विच जो विचारधारा समुची लुकाई वास्ते है ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਣ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤਿੰਨ ਚੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਵੈ ਇਹੋ ਬਾਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭੇਖ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਥਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਗ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਪੜਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਛੇਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੇਦ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੁਲੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੀ ਦੇਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਮਚੋਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਰੀ ਗਈ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੇਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ
ते आख्या ना को हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, कर्म करके कोई किसी भी उहदे विच चलिया जाए, कर्म ही मनुख नूं उसका जीवन दिंदा है, कर्म तो ही बंदे की पहचान होंदी है। सतगुरां ने जो पावन पवित्र ये तीन चीज़ां दी मेन जिहड़ी है, क्योंकि जे बंदा अपने ही घर परिवार तक सीमित रहे तां उह उन्ना प्रकार नहीं कर सकदा, उन्ना प्रकार दा जिहड़ा है वह तरक्की नहीं कर सकता जिन्ना चिर बाहरों जिहड़ी पब्लिक है जिहड़ी संगत है उहनू गुरु आशे दा पता नहीं चलता जिन्ना चिर। इस वास्ते सतगुरां ने गुरबाणी नूं अहम करार दिता, इत्थों तां आख्या मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी बणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच्चों। पर इह सच है कि शब्द जांदे जांदे सतगुरु जी शब्द दे गायन करदे वक्त पाणी सरूप जल सरूप हो जाया करदे सन, उह जल दे विच्चों मुड़ अपना जिहड़ा है वजूद समेट के फिर बाहर आउणा, इह प्रतख है। जदों सुल्तानपुर लोधी सतगुरु जी वेई गमन करदे सी, वेई गमन कीते उधर दियां तीन घड़ियां ते इत्थे दे तीन दिन जिहड़े बतीत हो गए, सारे हाहाकार मच गई कि जय राम दा जिहड़ा रिश्तेदार नानक है वह भाइया जय राम जी बीबी नानकी दी जी पते पति सन, जो तो उन्होंने भी बहुत इस गल का महसूस किया भी हुण की होवेगा। उधर सतगुरु जी जदों तीन दिनों बाद बाहर आए तो आ करके लोगों नूं दर्शन दिते, सेवक कोलों लै करके वस्त्र पहनने किते, तो सारे नगर दे विच महाराज सच्चे पातशाह दे आउण दी प्रगट होण दी जिहड़ी है वह बड़ा लोगों दे विच जिग्यासा उठी, तो उन्होंने पहुँच करके एकत्रित हो के सब तो पहला ये होका दिता ना को हिंदू ना मुसलमान। उन्हां दी बाणी भी जिहड़ी है वह श्री आसा जी की वार दे जिन्ने पौड़ियाँ श्लोक शंत ने बस समझ लो भी अज का जो पाखंडवादी युग है जिहदे धर्म के नाँ ते लोगों नूं अधर्म ही परोसया जा रहा है, उस चीज़ नूं सतगुरां ने बहुत समा पहला समझ लिया सी, पर उन्हां दे हुक्म की तामील पंजवें साहिब सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने की कि भाई मीणे मसंद जिहड़े ने ये गुरगद्दी दे चाहवान सी पर मिली नहीं गद्दी उन्होंने, उन्होंने नवें तौर पर ग्रंथ रचना शुरू कर दिता। बाबा बुढ़ा साहिब जी ते होर प्रेमी सिखा ने कहा महाराज अपन गुरां दी बाणी संभालनी चाहिए, अपने तो पहले सतगुरां दी बाणी जो गुरु रामदास जी तक तुहाडे तक पहुँची है तो उस बाणी नूं संभालिए, उहदे च रला ना पैण दईए, क्योंकि जिहड़ा धीरमल सी ये गुरु साहिबां दा वाहिगुरू प्रथमी चंद सी जिहड़ा ये सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे प्रति शुरू तो ही वैर भाव रखता सी, क्योंकि गद्दी आप चाहुंदा सी, सो जदों गद्दी ना मिली तां ये विरोधी बन गया गुरु घर दा, सी गुरु साहिबां दा पुत्तर गुरु साहिबां दा भाई भी सी, ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा दादा भी लगता सी, गुरु साहिबां दी अंशवंश किन्नी अगे तो अगे वधी फुली, तो वह सारे ही होने के बावजूद भी गुरु रामदास महाराज की खुशी न लै सकया बाबा पृथ्वी चंद। तो उन्होंने जदों सिखा ने बेनतियां कीतियां कि महाराज ये जड़ा गुरबाणी का पीओ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना, तो खावो खर्चो रल मिल भाई तोट ना आवै वध दो जाई, ये सारिया गल्लां गुरबाणी के विचों शाहदियां भरदियां ने। पृथ्वी चंद ने भी जदों विरोधता की और बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बड़े खेदमई अपशब्दमय जिहड़े बोल बोले कि सारी जिहड़ा है तू सारे पुआड़े की जड़ है, बाबा बुढ़ा साहब जी ने कहिंदा पृथ्वी चंद। सतगुरां ने बचन किते सारंग महला चौथा, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप, भाव के हे नलायक पुत काहे पूत झगड़त हो संग बाप, संग कहिंदे नाल नूं, ते क्यों झगड़ा करदा, झगड़त तो भाव झगड़ा क्यों करदा है, जिनके जने बडीरे तुम हो जिन्हां दे घरां दे विच तुसीं जन्म लिया वो तो सेवा सिमरन दे मुजस्मी ने, नाले ये तख्त बा तख्त राजा सो बह जो तख्त लायक होए,
ये तो पक्की गल आ बी तखत के उत्ते उ बराजेगा जोड़ा तखत के बैठने के योग होगा लायक होगा। सो महाराज सच्चे पातशाह ने यह गल् बाणी में बाणी की शुद्धता बरकरार रहे और बड़े धीरज नाल भाई गुरदास जी नू लिखारी थाप के भाई बन्नो जी नू लिखारी थाप के जो गुरु साहब जी का जो संकल्प सी कि जीवन के पड़ा ते जदों जोत पंजवें थां जाएगी तो उदों जरूर पर जरूर असी गुरबाणी का जिहड़ा है वो सिलसिला नवेकले रूप दे विच गुरु ग्रंथ साहब दे रूप विच आवेगा। एक होर जरूरी गल मैं कहनी चाहवांगा कि रागमाला बाणी नू कई सिख पढ़न तो आप संकोच करते ने इनकारी हो जाते ने वो वड्डी भुल दे विच ने। जिहड़े 8-6 मुख राग ने उन्हां दे अगों 5-5 पुत्तर ने 5-5 इस्त्रियां ते 8-8 पुत्तर ने रागमाला सारी दे विच जदों आपां पढ़दे हां भोगां दे सलोक तों बाद जिहड़े सलोक नवें महले दे सरलेख हेठ आउंदे ने तां उदों अगे रागमाला दी प्राप्ती हुंदी है। रागमाला दे विच ओह सारे जिहड़े भी लै करके बेनती किसे समय गुरु नानक देव जी दे पास राग सी जिहड़े एक काफला बन के गए महाराज ने कहा आओ किवें आए हो कहिंदे महाराज सानू ना भैड़ी तो भैड़ी जगह ते जिथे बेसवावां दा नाच हुंदा है जिथे होर घटिया किस्म दे वरतारे हुंदे ने सानू उत्थे गाया जांदा है किधरे नाचनियां नृतकियां जिहड़ियां ने उह सानू होर तरीके नाल पेश करदियां ने आप जी कृपा करो साडे ते सानू भी कुछ सत्कारत जिहड़ी सती हस्ती है वह प्राप्त हो जाए सत्कारत हस्ती सत्कार वजों सानू भी कुछ कृपा करो। धन गुरु नानक देव जी महाराज के पास जो बेनती लैके आए तो उस वक्त सतगुर सच्चे पातशाह ने वचन किया कि जदों असी पंजवें जामे च आवांगे तो एक ग्रंथ साहब रचिया जाएगा तुहानू सारियां नू ही उस ग्रंथ दे विच्चों तुहाडे मुताबक बंदिशां दे दे के जे श्री राग पढ़ना तो उहदा किन्नी उस दी किन्नियां लगा मात्रावां लगणियां हन जे जयजावंती राग गाउणा तां उहदे की समां होवेगा निर्धारित समां की है जे गुजरी राग है जां आसा राग है तो ये सारियां दे लई एक विधि विधान कायम करना कीता। सो वो संगीत दे नाल संबंधित जिहड़ा है सानू सारा जिहड़ा उहदे विच्चों मिल जांदा है मैटर कि किस प्रकार वक्रे वक्रे राग 24 घंटियां दे विच वक्रे वक्रे समय दे गायन किए जाने वाले राग उन्हां नू मानता दित्ती गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने। सो ये सतगुरां दा दूरगामी एक बहुत वड्डा फैसला सी इस करके सतगुरां ने गुरबाणी नू अपना जीवन आधार और सिखां दे लई वी महाराज सच्चे पातशाह ने दसवें पातशाह ने अगे चल के कहा कि मेरा सिख है जिहड़ा वह पूजा अकाल दी करेगा। पूजा अकाल की परचा शब्द का परचा जिहड़ा शब्द दा रखना है मन नू धीरज बझदा है हौसला बनता है मनुखी जीवन जिंदगी दे विच जीवन बसर करदिआं होइआं नू बाणी पढ़ के धीरजता प्राप्त हुंदी है उहनां दे बाणी दे प्रताप सदका दुख दलिद्र कलेश मिटदे हन। ये सतगुरां ने जो बाणी रची है ये हर सिख नू सिद्ध गोष्ठ नवें बाणी पढ़न नाल गुरु साहिब जी दे आशे दा वी और सतगुर सच्चे पातशाह जी दा जो सिखां दे प्रति उपदेश है वह भी प्राप्त होंदा है जी। सो आप जी ने गुरबाणी नाल संबंधित और श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन नाल संबंधित बहुत ही अनमोल बचन साडे नाल सांझे कीते। असीं सारे ही आप जी दे हार्दिक शुक्रगुजार हाँ। चैनल वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का।